हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक एचपी का पीसी है जिसमें कि विंडोज़ 11 डला हुआ था और हम इसमें विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो जब भी हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने जाते हैं और इंस्टॉलिंग प्रोसेस को पूरा करते हुए डिस्क सिलेक्शन वाले पेज पर आते हैं जहाँ पर हमें विंडो दिखाता है वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडो, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारी डिस्क जो है वहाँ पर शो नहीं होती है और यहाँ कोई भी पार्टीशन हमारी हार्ड डिस्क का शो नहीं होता है। और मैं आपको बता दूँ, जो कि हमारा पीसी है इसमें विंडोज़ 11 डला हुआ था और हम विंडोज़ 10 को डालना चाह रहे हैं इसमें, तो हम इसमें आए और हमारी जो NVMe SSD है 256 GB की वो लगी हुई है इसमें और वो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपके पीसी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है और आपके पीसी में हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आप उसको यहाँ पे कैसे डिटेक्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। तो इसको डिटेक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको कोई वर्किंग सिस्टम को ओपन कर लेना है और वर्किंग सिस्टम को ओपन करने के बाद उसमें गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है Intel RST-VMD driver और इसको आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, Intel Rapid Storage Technology Drive Installation Software, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे और आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर तीन सॉफ्टवेयर दिखेंगे। आपको सबसे नीचे जो दिख रहा है VMD driver, आपको इस पर VMD zip वाले को डाउनलोड करना है। आपको non-VMD.zip को नहीं डाउनलोड करना है, आपको VMD.zip को डाउनलोड कर लेना है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद ये जो है हमारा आर्काइव फाइल में होगा तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन फोल्डर कर लेते हैं। तो सो इन फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाउनलोड हुआ है उस पर हम पहुंच जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सट्रैक्ट होकर सबसे ऊपर आ जाएगा और इस पर आपको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप जिस भी पेन ड्राइव से अपना पीसी बूट कराना चाहते हैं उसमें आपको इसको पेस्ट कर देना है और दोबारा से आप जिस पीसी को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं और उसमें विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसमें आप इस पेन ड्राइव को प्लगइन कर लीजिए। तो उसके बाद आप जैसे इसमें प्लगइन कर लेंगे अपने पेन ड्राइव को तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर लोड ड्राइवर पर क्लिक करना है। आप लोड ड्राइवर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, आपको ब्राउज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी आप पेन ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए और उसमें जो भी फाइल आपने एक्सट्रैक्ट करके कॉपी की थी उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको ये जो दिख रही है F6 वाली फाइल इस पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। आप जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी और उस विंडो में दो ड्राइवर आपको दिखेंगे। आपको सबसे फर्स्ट वाले को क्लिक करना है जिस पर Intel RST-VMD Controller 9A0V, आपको इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं आप लोडिंग प्रोसेस ले रहा है, या 4 से 5 सेकंड लोडिंग लेगा और उसके बाद हमारी जो फाइल सारी हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए हमारी। तो हम वेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, हमारे सारे पार्टीशन जो हमारी SSD के थे यहाँ पर शो हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको सबको फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने सारे पार्टीशन को डिलीट कर दिया है और उसके बाद हम पार्टीशन को क्रिएट कर लेते हैं। और पार्टीशन को क्रिएट करने के बाद हम किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेंगे।